माई फर्स्ट ब्लॉग वीडियो वायरल नहीं हुआ। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों की यह सवाल है और भी बहुत तरह की सवाल पूछा गया है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में उन सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ जो मेरा पहला सवाल यहाँ पे, यानी एक भाई ने पूछा है कि सर, आप वीडियो शूट करने यानी करने टाइम आप माइक्रोफोन कहाँ पर रखते हो। यानी उनका सवाल है कि मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, वीडियो शूट करते समय हम जो माइक होता है कहाँ पे लगा रखे होते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मैं कोई भी माइक यहाँ पे कॉलर में भी कोई माइक नहीं लगा रखे हैं, और मैं यहाँ पे बताऊंगा किस तरीके से मैं अपनी वीडियो की साउंड शूट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो हमारा वीडियो शूट हो रहा है फ्रेंड्स, वो हमारे आईफोन 12 से हो रहा है, और आईफोन 12 के जो इंटरनल माइक है फ्रेंड्स, उसी से हो रहा है। इसमें कोई एक्सटर्नल माइक नहीं लगा रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंड्स बात कर लूँ कि अगर जब मैं माइक लगा के यानी वीडियो शूट करता हूँ, तो माइक को मैं यहाँ पे कॉलर के साइड यहाँ पे लगा लेता हूँ और फिर हम अपनी वीडियो शूट करता हूँ। ठीक है, अगला जो सवाल है कि सर प्लीज हेल्प कर दो, सर प्लीज माई फर्स्ट ब्लॉग वायरल नहीं हुआ। आपका फर्स्ट ब्लॉग अगर वायरल नहीं हुआ तो क्या कारण हो सकता है, आखिर उसके पीछे कारण क्या है कि आपकी फर्स्ट ब्लॉग वायरल हुए। तो यहाँ पे मतलब बहुत सारी कारण हो सकती है, उसमें से जो मेन कारण मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि आपकी साउंड। ठीक है, आपकी साउंड, दूसरा नंबर आपकी वीडियो में क्या दिखा रहे हैं। ठीक है, और तीसरा नंबर फ्रेंड्स कि आप वीडियो में किस तरीके से बात करें, यहाँ पे बहुत मायने रखता है। आपके बात करने का तरीका क्या है, किस तरीके से अपने ऑडियंस को एक्सप्लेन कर रहे हो, किस तरीके से दिखा रहे हो, यानी किस तरीके से बात करके उनसे कनेक्ट करना चाह रहे हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बहुत ही मायने रखता है कि आपको अपने ऑडियंस के साथ बहुत ही मतलब अच्छे से कनेक्ट होना पड़ता है। कनेक्ट होने के लिए अपने ऑडियंस को समझना होता है, यानी अगर आप नए रहेंगे तो आप तो अभी पता नहीं रहेगा हमारे ऑडियंस कौन सी वीडियो देखना पसंद करें। तो आपको अपनी जो वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, उस वीडियो को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाए, किस तरीके से बनाएंगे यहाँ पे वो भी बताते। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको करना क्या है, बहुत सारे माई फर्स्ट ब्लॉग वीडियो है, ठीक है, उस वीडियो को आप देखिएगा, जो भी वीडियो वायरल है उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा। 4-5 वीडियो को देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो किस तरीके से बात करते हैं, उसमें किस तरीके से बोल रहे हैं। ठीक है, वो जिस तरीके से बोल रहे हैं सेम वैसे ही आपको बोलना है। ये कोशिश करना है अब यहाँ पे कि आपको उससे बेटर करना है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप अपनी ब्लॉग वीडियो बनाएंगे फ्रेंड, तो क्या होगी कि आपकी भी ब्लॉग वीडियो वायरल होगी। कैसे होगी, क्योंकि आपकी वीडियो उससे बेटर रहेगी, अच्छी रहेगी, तो लोग देखना चाहेंगे। जब देखेंगे तो वॉच टाइम आएगा तो आपकी वीडियो को खुद यूट्यूब का जो एल्गोरिदम होता है खुद ब खुद वायरल ही कर देता है, यानी लोगों के पास भेजना शुरू कर देता है और आपकी वीडियो वायरल हो जाती है। और यहाँ पे एक और कारण हो सकता है फ्रेंड कि आप टाइटल किस तरीके का लिख रहे हैं, टैग किस तरीके का डाल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन क्या लिख रहे हैं, और अपना चैनल ऑप्टिमाइज किए हैं कि नहीं। तो यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियो है कि अपने चैनल को ऑप्टिमाइज कैसे करें, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन कैसे लिखे, आप देख कर वहां से सीख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो वीडियो ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा। इतना ही हम आपको बता देते हैं, जो मेन पॉइंट है ये सब कर लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपकी भी फर्स्ट ब्लॉग वीडियो वायरल हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन हम बात करते हैं, कौन सा पूछा गया है यहाँ पे। रूप तारा ब्लॉग, इनका क्वेश्चन यह है कि वैसे वीडियो बहुत अच्छा लगा, कहाँ से हो आप, नाइस वीडियो। मैं यूपी यानी उत्तर प्रदेश के रहने वाला हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, फूड ब्लॉग्स 2M, ये पूछने के पैसों की कमी के कारण अच्छा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, आप एक सपोर्ट कर दो, लाइफ का सवाल है। देखिए फ्रेंड, पैसों के कारण आपकी वीडियो नहीं बन पा रही है तो आप यार इसमें पैसों की कहाँ जरूरत पड़ रही है आपको, तो सिर्फ आजकल तो सभी के पास एक नॉर्मल एंड्रॉयड फोन है, उसी से अपनी वीडियो शूट कर लेते हैं। ठीक है, और बहुत से ऐसे ब्लॉगर हैं जो अपने फोन से ही स्टार्टिंग करके अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं, तो आप तो कर ही लेंगे भाई, अपने फोन से स्टार्टिंग कीजिए। ठीक है, और सपोर्ट की रही बात फ्रेंड्स यहाँ पे कि आप सपोर्ट कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई अगर आपको सपोर्ट करता है और फिर आप मतलब आपको कुछ मिल भी जाता है, लेकिन आगे चल के आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप अपनी टैलेंट जब तक नहीं दिखाएंगे, दूसरों के दम पे चलते जाएंगे आगे, और फिर जब अकेला चलना पड़ेगा फ्रेंड तो आप चल नहीं पाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि आप खुद को मतलब इतना मतलब पावरफुल बने, इतना अपने अंदर कॉन्फिडेंस भरिए, लोग जो आपसे देखना चाहेंगे उस तरीके का आप वीडियो लाए। ठीक है, आपसे लोग कनेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, और अपनी टैलेंट पे फोकस कीजिए। ठीक है, फोकस करेंगे तो लोग खुद ब खुद आपके साथ जुड़ते जाएंगे।
ठीक है, इसमें सपोर्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लोग खुद आपकी सपोर्ट करने लग जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगला सवाल क्या है, ये पूछ रहे हैं भाई आपके सब्सक्राइबर कितने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मैं अपने सब्सक्राइबर को हाइड करके रखा हूँ और मेरा कुछ लक्ष्य है, टारगेट है, जो कम्प्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों के सामने शो अप कर दूंगा। हमारे घर वाले भी हमसे पूछते हैं कि आपके सब्सक्राइबर कितने, तो मैं घर वालों को भी नहीं बताता हूँ, जब तक मेरा टारगेट पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं अपने सब्सक्राइबर किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है, और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप सभी के सामने शो अप कर दूंगा, घर वालों से भी बता दूंगा, आप लोगों को भी दिखा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मौर्या 143 ये पूछ रहे हैं भाई वीडियो एडिटिंग करना बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स वीडियो एडिटिंग करना मैं यहाँ पे तो नहीं बता सकता, लेकिन इस पे हमने बहुत आसान भाषा में, बहुत मतलब इजी तरीके से वीडियो एडिटिंग करना सिखा रखा है, उस पे ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है। अगर आप नहीं जानते हैं तो उस वीडियो को देखेंगे तो आप वीडियो एडिटिंग करना सीख जाएंगे, कोई भी सीख सकता है उस वीडियो को देखने के बाद से, जो नया नया है बिल्कुल कुछ नहीं आता वो भी उस वीडियो को देखने के बाद से सीख लेगा। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और वहां से जाके सीख लीजिएगा, या फिर YouTube पे बहुत सारी वीडियो है, किसी का भी वीडियो देख के आप सीख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देख लेते हैं, विलेज बॉय ब्लॉग ये पूछ रहे हैं भाई मेरे ब्लॉग कोई देखता ही नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वही बात है कि आप अपने ब्लॉग यानी आपकी ब्लॉग को कोई देखता नहीं, तो इसका मतलब यही है कि अगर आपका वीडियो अच्छा नहीं है, वीडियो अच्छा का मतलब ये है कि आपकी जो कंटेंट, क्या बोले हैं, क्या दिखाएं, किस तरीके से बोले हैं, अगर वो दिखाने का तरीका आपके अंदर नहीं है और जब तक नहीं रहेगा तो आपकी वीडियो को कोई देखना पसंद नहीं करेगा। कैसे नहीं देखना पसंद, क्योंकि आपकी वीडियो पे कोई, जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो उस वीडियो को क्या करता है यूट्यूब, अपने जो ब्राउज फीचर्स होता है वहां पे शो कराता है। ठीक है, सर्च लिस्ट में वो लाता है, यानी जो भी उस कीवर्ड से, जिस कीवर्ड पे आप अपनी वीडियो बना रखे उस कीवर्ड को लोग सर्च करते रहते हैं, और जैसे ही सर्च करते हैं तो आपके वीडियो अपलोड रहेगा तो तुरंत वो 1 से 2 मिनट के अंदर उस पेज पे शो होने लगता है। अब यहाँ पे बात आती है कि आपकी वीडियो अगर अच्छी होगी, ठीक है, अगर वीडियो अच्छी रही, थंबनेल अच्छा रहा तो लोग उस पर क्लिक करेंगे, थंबनेल भी मायने रखता है कि थंबनेल देखकर ही लोग क्लिक करते हैं, थंबनेल अच्छा रहा तो उस पर क्लिक करेंगे। अब वीडियो अच्छी रही तो वीडियो को पूरा देखते हैं, ठीक है, अगर वीडियो नहीं अच्छी रही तो कोई देखेगा नहीं, क्लिक करेगा 2-4-10 सेकंड देखेगा और आपकी वीडियो से चला जाएगा। यही कारण है कि यहाँ पे एक कारण है कि आपकी वीडियो को लोग देखता ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आपकी ऑडियंस रिटेंशन जो है आपके वीडियो पे मिल नहीं पाता है और फिर आपकी वीडियो को यूट्यूब भेजना छोड़ देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फोकस कीजिए अपनी वीडियो की कॉन्टेंट पे, क्या हम दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कैसे हम वीडियो बनाए कि लोग उस वीडियो को पूरा देख कर जाए, पूरा नहीं तो आधा कम से कम देखे, आधा भी देखेंगे तो आपकी ऑडियंस रिटेंशन जो है काफी बेस्ट आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको कोशिश करना है, और आज की हमारी Q&A वीडियो है, और एक Q&A वीडियो आप लोगों को पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। और एक बात, अगर आप भी चाहते हैं कि हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सवाल करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिएगा, पोस्ट डालिएगा, मैं आगे जो वीडियो Q&A वीडियो लाऊंगा उस वीडियो में आपके भी सवाल को पिकअप करूंगा और आपके भी सवालों का जवाब दूंगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, एक बात और फ्रेंड्स, अपना ख्याल जरूर रखिएगा और अच्छा कॉन्टेंट और न्यू क्रिएटिव चीज लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लोग नया चीज देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।